हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाव भाजी की रेसिपी देखते हैं। हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम। साथ ही हमें कोथमीर, बटर, अदरक लहसुन की पेस्ट और एक चिली। और मसाले में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची की पाउडर, जीरा और पाव भाजी की मसाला। अभी हम कुकर में तेल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी जीरा डालिए। थोड़ी देर बाद हमें इसमें आलू डालना है, साथ ही फूल गोभी। टमाटे, सारे अच्छे से मिलाइए। सारे अच्छे से मिक्सअप होना चाहिए। अभी हमें इसके अनुसार पानी डालना है। दो बड़े कप्स पानी डालिए और मिक्स कीजिए। मिक्स कर अभी थोड़ी देर इसे ढके कुकर के ढक्कन से और 5 मिनट के लिए वेट करें। अभी बाद में एक कढ़ाई लीजिए, उसमें बटर और साथ ही थोड़ी सी तेल डालकर जीरा डालिए और कटे हुए कांदे। अभी मिक्स कीजिए। आपके अनुसार धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला, सारे चीजों को अच्छे से मिलाइए, मिक्स कीजिए। अभी मैशर लेके इसको मैश कीजिए, जो भी बड़े बड़े वेजिटेबल्स है छोटे हो जाएंगे, मैश आउट हो जाएंगे। अच्छे से मैश कीजिए। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद एक तवा लीजिए, तवे पे बटर डालिए, थोड़ी सी पाव भाजी की पेस्ट जो हमने बनाया है ग्रेवी, साथ ही थोड़ी सी कोथिंबीर और पाव। इसे अच्छे से सेकिए तवा पर।